हमारा ये ब्रह्मांड आखिर कब तक रहेगा और इसका अंत कब और कैसे होगा, शायद ये इस दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न है। आप में से हर कोई ये जरूर जानना चाहता होगा कि कुछ सालों बाद हमारे ब्रह्मांड की परिस्थिति क्या होने वाली है। हम आज आपको कुछ 100 साल, कुछ 1000 साल या कुछ लाख साल, यहां तक कि कुछ 10 लाख साल आगे नहीं लेकर जाने वाले, बल्कि हम आज आपको लेकर जाने वाले हैं कुछ खरबों साल आगे। ये वीडियो जो है वो वैज्ञानिक प्रेडिक्शन, वैज्ञानिक एस्टिमेशंस पर बनाया गया है और उनकी भविष्यवाणी अक्सर सत्य होती है। हालांकि ये कहा नहीं जा सकता कि आगे जाकर ब्रह्मांड का होगा क्या, फिर भी वैज्ञानिकों ने जो एस्टिमेट्स निकाले हैं, जो भविष्यवाणियां की हैं, जो प्रेडिक्शंस किए हैं, वो आपके सामने इस वीडियो में होंगे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कैसा होगा ब्रह्मांड आज से खरबों साल बाद और क्या नियति है, क्या डेस्टिनी है, क्या किस्मत है हमारे ब्रह्मांड की आज से 100 करोड़ यानी कि 1 अरब साल बाद। जी हाँ, हम लोग डायरेक्ट 100 करोड़ साल आगे आ गए हैं। हमारी दुनिया बहुत एडवांस्ड हो चुकी है। सूरज 21वीं सदी में जितना गर्म था और जैसा आसमान में दिखता था, वह उससे 10% ज्यादा चमकीला हो चुका है। इसके चलते गर्मी धरती पर बहुत बढ़ चुकी है। नासा की एक रिपोर्ट के हिसाब से 21वीं सदी में धरती का औसतन तापमान यानी कि एवरेज टेम्परेचर करीब 14.5 डिग्री सेल्सियस था, पर अब सूरज का ताप बढ़ने के चलते धरती का औसत तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। और इस चीज की वार्निंग 21वीं सदी के लोगों को दी गई थी कि पॉल्यूशन के चलते ये होने वाला है, पर इंसानों की लापरवाही के चलते ओजोन लेयर पूरी तरह गायब हो चुकी है। अब आज से 200 करोड़ यानी कि 2 अरब साल बाद 100 करोड़ साल बीत चुके हैं। अब धरती का तापमान और भी बढ़ चुका है। इसी गर्मी के चलते धीरे धीरे सारे समुद्र और नदियां भी अब सूखी हो गई हैं और इस समय अब बढ़ती गर्मी के चलते धीरे धीरे जीवन खत्म होने लगा है और इंसान नमक जीव जो धरती पर कभी रहते थे वो अभी अभी सूरज के प्रकोप के चलते डायनासोर्स के जैसे एक्सटिंक्ट यानी कि लुप्त हो चुके हैं। टूटी हुई बिल्डिंग्स और उनकी यादें अब सिर्फ यहाँ बची हुई हैं। सिर्फ कुछ ही जीव बचे हुए हैं और वो भी धीरे धीरे मर रहे हैं। कुछ एक आध बचे हुए अमीर लोग मंगल ग्रह पर चले गए हैं क्योंकि वह सूरज का ताप धरती के मुकाबले थोड़ा कम है, पर कुछ 1000 साल के अंदर ही सूरज का ताप इतना बढ़ेगा कि मंगल भी रहने लायक नहीं रहेगा और अब इस समय इंसान कहीं जा भी नहीं सकता और कुछ कर भी नहीं सकता, इसलिए इंसान नामक प्रजाति अब लुप्त हो चुकी होगी, एक इतिहास बन चुकी होगी। इस समय अब कोई भी इंसान इस ब्रह्मांड में मौजूद नहीं होगा। आज से 400 करोड़ यानी कि 4 अरब साल बाद हमारी आकाशगंगा का पड़ोसी जिसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, उसने हमारी मिल्की वे गैलेक्सी को अपनी तरफ टान लिया होगा। बहुत पहले जब इंसान जिंदा थे यानी कि 21वीं सदी में, ये एंड्रोमेडा गैलेक्सी करीब 250 प्रकाश वर्ष दूर थी हमसे, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से, पर अभी ये आपस में कोलाइड करने जा रहे हैं, टकराने जा रहे हैं और अब तपती हुई वीरान पहाड़ों से भरी धरती से आसमान कुछ ऐसा दिख रहा है। एक बड़ी सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो करीब आ रही है, आखिर में जाकर दोनों गैलेक्सीज का कोलिजन होता है, दोनों गैलेक्सीज टकरा जाती हैं। मिल्की वे और एंड्रोमेडा दोनों मिलकर एक बड़ा गैलेक्सी कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं, एक सुपर गैलेक्सी जिसका कोई नाम नहीं होगा क्योंकि जो हर चीज़ों को नाम देते थे वो खुद इंसान अब लुप्त हो चुके हैं, इसे देखने वाला कोई नहीं होगा। आज से 500 करोड़ यानी कि 5 अरब साल बाद उस गैलेक्सी की टक्कर के चलते हमारे सौरमंडल में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि सौरमंडल मिल्की वेव के बहुत अंदर की तरफ है, पर इससे बचने के बाद भी हमारा सौरमंडल खत्म होने वाला है। सौरमंडल अपने जीवन के आखिरी सालों में है क्योंकि सौरमंडल को मेंटेन रखने वाला हमारा सूरज आउट ऑफ फ्यूल होना शुरू हो गया है। धीरे धीरे उसकी सारी ऊर्जा खत्म होती जा रही है। जब इंसान जीते थे 21वीं सदी में, तब जितना इसका साइज था उससे करीब साइज में 200 गुना ज्यादा बड़ा हो चुका है और धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। ये एक रेड ड्वार्फ बन चुका है। अब सूरज धरती से कुछ ऐसा दिख रहा है, यह बस लाल बड़ा सा मरता हुआ सूरज, और इसे भी देखने वाला धरती पर कोई नहीं होगा। अब इस समय सौरमंडल के एंगल से देखें तो सूरज का साइज और भी बढ़ता जा रहा है और अब वह सौरमंडल के पहले ग्रह यानी कि बुध ग्रह को निगल चुका है सूर्य। अब सौरमंडल में 8 नहीं बल्कि 7 ग्रह हैं। अब सूरज सारे ग्रहों को एक एक करके निगलता जा रहा है। सबसे पहले यह मरकुरी को निगला, फिर वीनस को, फिर धरती नामक ग्रह को भी निगल गया जिस पर कभी इंसान नामक प्राणी हुआ करते थे। धीरे धीरे करके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून सबको सूरज निगल चुका है और अब सौरमंडल में कोई भी ग्रह नहीं बचा है। बचा है तो सिर्फ सूरज, एक बड़ा सूर्य। आज से 1500 करोड़ यानी कि 15 अरब साल बाद सौरमंडल का अंत हो चुका है और अब सौरमंडल कुछ ऐसा दिख रहा है, एक
मरता हुआ बूढ़ा सा सूरज और आसपास बिखरे हुए ग्रहों के टुकड़े। एक मरता हुआ सूरज जो कि ठंडा हो रहा है, और ये बेचारे टुकड़े ये भी उन ग्रहों के हैं जिनको सूरज ने हजार करोड़ साल पहले ही निगल लिया था। सौर मंडल जो प्यारा सा सौर मंडल हुआ करता था, उसका अस्तित्व पूरी तरह से मिट चुका है। आज से 10,000 करोड़ यानी कि 100 अरब साल बाद जिस जगह पर मिल्की वे गैलेक्सी है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जो कि कई साल पहले ही एक बन चुके थे, और करीब 100 आकाशगंगाएं हैं, इस एरिया को वर्गो सुपर क्लस्टर कहा जाता है। मतलब इस एरिया में 21वीं सदी में 10,000 करोड़ साल पहले सारे अलग अलग गैलेक्सीज एक जगह पर रहते थे, पर अब इस समय यह एरिया इतना ज्यादा पुराना हो चुका है कि इसके अंदर के 100 से भी ज्यादा जो गैलेक्सीज थे वो अपने गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से आपस में करीब आ गए हैं, और सब गैलेक्सीज मिलकर एक बड़ा सा गैलेक्सी बन चुका है। और ब्रह्मांड में दूसरी जगह पर जितने भी वर्गों की तरह सुपर क्लस्टर एरिया हैं, उनके अंदर भी जितने अलग अलग आकाशगंगाएं थी, वो सब अब मिलकर सुपर गैलेक्सीज बनती जा रही हैं। आज से 1,00,000 करोड़ यानी कि 1,000 अरब साल बाद, जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि बड़ी बड़ी सुपर गैलेक्सीज बन रही हैं, वो करीब 900 अरब साल पहले की बात थी, पर वो सब अब तक मर चुके हैं, क्योंकि गैलेक्सीज तारों से मिलकर बनते हैं, पर गैलेक्सीज के अंदर के सारे तारे अब बुझ चुके हैं, अब वो मर चुके हैं, क्योंकि उनका फ्यूल खत्म हो गया है। जिस तरह हमारा सूरज बहुत पहले ही मर चुका है, वैसे ही इस समय ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सीज के सारे तारे एक एक करके मरते जा रहे हैं, और धीरे धीरे गैलेक्सीज खत्म होती जा रही हैं। नए तारों को बनने के लिए डस्ट क्लाउड की जरूरत होती है, जो कि बहुत पहले 21वीं सदी में तो ब्रह्मांड में जगह जगह पर अवेलेबल थी, पर अब इस ब्रह्मांड में कोई भी डस्ट नहीं बची है जिससे तारे बन पाए, इसलिए इस सारे ब्रह्मांड में कोई भी नया तारा नहीं बन पा रहा। ब्रह्मांड में अब कोई भी गैलेक्सी नहीं दिख रही, कोई रोशनी नहीं दिख रही। आज से 2,00,000 करोड़ यानी कि 2,000 अरब साल बाद, जैसा कि आपको एक फैक्ट पता होगा कि ये ब्रह्मांड एक्सपैंड हो रहा है, और ये एक्सपेंशन की गति बढ़ती ही जा रही है, पर अभी 2,00,000 करोड़ साल बाद ये स्पीड लाखों गुना बढ़ गई है। अब इस ब्रह्मांड में कोई गैलेक्सी तो नहीं है, पर टूटे हुए कुछ अवशेष बचे हैं, पर ब्रह्मांड के फैलाव के चलते वो भी एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, उनके बीच का गैप बढ़ते जा रहा है, क्योंकि ये ब्रह्मांड हद से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। आज से 20,00,000 करोड़ यानी कि 20,000 अरब साल बाद, इस मरते हुए ब्रह्मांड के दूसरे साइड में आखिरी के 10 या 20 तारे बचे हुए हैं, एंड ऑफ कोर्स अंतरिक्ष के वो दानव जिन्हें ब्लैक होल्स कहा जाता है, वो अब इस ब्रह्मांड के राजा बन चुके हैं। तारे और ग्रह तो इस ब्रह्मांड में ना के बराबर हैं, पर ब्लैक होल्स अब लाखों की तादाद में ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, और वो ग्रहों के बचे हुए अवशेषों को ढूंढ रहे हैं ताकि वे उन्हें भी निगल पाएं, खा पाएं। आज से 1 करोड़ यानी कि 1,00,000 अरब साल बाद, अब इस ब्रह्मांड में दूसरे साइड के जो आखिरी के तारे कुछ बचे थे वो भी अब मर चुके हैं, और ब्लैक होल्स बचे हुए हैं। जितने भी प्लैनेट्स के एक आध टुकड़े बचे हुए हैं, उन्हें भी खाना शुरू कर दिया है इन ब्लैक होल्स ने, और ब्रह्मांड के बचे जितनी भी चीज़ें हैं, ब्लैक होल्स धीरे धीरे सब कुछ खाते जा रहे हैं, और अब कोई भी ऐसी चीज़ इस ब्रह्मांड में नहीं बची जो कि दिख पाए। अब सिर्फ ब्लैक होल्स हैं, और सिर्फ ब्लैकनेस और डार्कनेस। आज से 10 के आगे 40,000 साल बाद, इस ब्रह्मांड के अंत की शुरुआत है। अब कोई भी चीज इस ब्रह्मांड में नहीं बची, पर चलिए अब हम जूम गॉगल्स पहन लेते हैं। अब आप देख सकते हैं कि छोटे परमाणु स्तर पर अब स्पेस में सिर्फ अलग अलग परमाणु या अलग अलग होकर स्पेस में घूम रहे हैं, जो कि कुछ लास्ट बचे हुए ग्रहों के टुकड़े थे जिसे ब्लैक होल्स दूरी के चलते नहीं निगल पाए थे। वो लकी पार्टिकल्स अलग अलग होकर स्पेस में, अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, पर अब क्योंकि कुछ नहीं बचा सिवाय ब्लैक होल्स के, इसलिए सारे ब्लैक होल्स एक दूसरे के सामने आते जा रहे हैं अपने दानव जैसे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते, और अब इस ब्रह्मांड के सारे ब्लैक होल्स मिलकर, सारे ब्लैक होल्स मिलकर एक सुपर ब्लैक होल बन गए हैं, और जो बचे हुए लकी पार्टिकल्स थे उन्हें भी अब एक बड़ा ब्लैक होल खाना शुरू कर देता है। उस सुपर ब्लैक होल की साइज इतनी है कि इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, कोई नंबर किसी आंकड़े के आधार पर उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया जाता। अब धीरे धीरे ये ब्रह्मांड मर रहा है। आज से 10 के आगे 303,000 साल बाद, जिसे कहते हैं सेंटिलियंस, ये है ब्रह्मांड का अंत। अब यह ब्रह्मांड पूरी तरह से खाली हो चुका है, और ये फैलते फैलते यानी एक्सपैंड होते होते इतना एक्सपैंड हो चुका है कि हम इसकी साइज को शब्दों में, नंबर्स में या स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। अब इस ब्रह्मांड का साइज इतना हो चुका है कि वो सुपर ब्लैक होल भी हॉकिंग रेडिएशन के चलते इवेपोरेट हो चुका है, मतलब
मतलब वो ब्लैक होल्स जिन्होंने सारे प्लैनेट्स को अपने अंदर ली लिया, सारे सितारों को, सारे तारों को अपने अंदर ली लिया, अब वो खुद मर रहे हैं। और अब कुछ सालों के अंतराल में ही वो एक बचा हुआ ब्लैक होल भी गायब हो गया है, और अब वो अल्टीमेट पॉइंट आ चुका है जहां पर कोई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नहीं है, और ना ही कोई ग्रह, ना ही कोई तारा, और यहां तक कि ना ही कोई ब्लैक होल मौजूद है। मतलब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बचा है, ये ब्रह्मांड अब खत्म हो चुका है और इस समय कुछ भी मौजूद नहीं है, और यहां तक कि कुछ भी ये कुछ भी नहीं है, ये भी मौजूद नहीं है, एब्सोल्युटली नथिंग सिवाय इस खाली जगह के बदले, इस खाली स्पेस के बदले। और यही स्पेस शायद वो चीज़ है जिसे भगवान कहते हैं, क्योंकि यह हर जगह है और इस स्पेस ने ना तो जन्म लिया है और ना ही कभी मरेगा। स्पेस के अंदर की सारी चीज़ों ने जन्म लिया है और एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, पर स्पेस अपने आप में एक नॉन एग्जिस्टिंग प्लेस है। मतलब ये मरा हुआ है, मतलब ये कुछ नहीं है, ये द अल्टीमेट है, और मरे हुए को कोई कैसे मार सकता है। इसी स्पेस में एक समय धरती नामक ग्रह हुआ करता था जिसमें इंसान रहते थे, जिसमें एक दिन आप नॉलेज टीवी के वीडियो देख रहे थे जिसमें उस समय के अंत के बारे में बता रहा था, पर अब वो सब खत्म हो चुका है, सिर्फ स्पेस ही बचा हुआ है, अब कुछ भी नहीं है। ये है समय, ब्रह्मांड और अस्तित्व का अंत, अब सब कुछ जीरो हो चुका है, पर सिर्फ एक चीज़ बची है और वो है लाइक बटन जो इस वीडियो के नीचे। चलो, हमने बहुत माथापच्ची कर ली, बहुत कुछ दिखा दिया, आपने बहुत कुछ देख लिया, सुकून मिलना चाहिए, ये सब अरबों सालों बाद होना है, हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए, जीवन कीमती है ये समझना चाहिए, पृथ्वी कीमती है ये समझनी चाहिए, हमारे संबंध, हमारे रिश्तेदारियाँ कीमती हैं ये हमें समझना चाहिए, जीवन कीमती है ये समझना चाहिए, और इस ज्ञान को जितना हो सके बढ़ाना चाहिए, जब तक हम हैं तब तक। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें।